मैं नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में सबसे पहले मैंने हेडिंग लिया फाइलोक्लेड। एरियल स्टेम फाइलोक्लेड एरिड रीजन या डेजर्ट रीजन या जीरोफाइट डेजर्ट वाले प्लांट्स का मॉडिफिकेशन है। सो पहला लिया हमने यहां पर फाइलोक्लेड मॉडिफाइड स्टेम। स्टेम और स्टेम के ब्रांच टोटली मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू थिक पल्पी इधर फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर में। आइए समझते हैं फाइलोक्लेड। सुनिएगा देखिएगा मैंने बोला सुनिएगा देखिएगा मैंने बोला फाइलोक्लेड इट रिप्रेजेंट्स मॉडिफाइड स्टेम और ब्रांचेस इनटू थोड़ा सुनिएगा ग्रीन फोटोसिंथेटिक थिक पल्पी म्यूसिलेज फील्ड फ्लैटेंड आई नीड योर अटेंशन अपुंसिया के लैंग्वेज में। अपुंसिया एक प्लांट है, कैक्टस का टाइप है फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल में आ जाएगा यूफोर्बिया। सिलेंड्रिकल में आ जाएगा यूफोर्बिया एंड कैजुएरीना का प्लांट। ठीक है, सो सिलेंड्रिकल जो है इट रिप्रेजेंट मॉडिफाइड स्टेम और ब्रांचेस इनटू ग्रीन फोटोसिंथेटिक थिक पल्पी म्यूसिलेज फील्ड फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। नीड योर अटेंशन, ये जो प्लांट है कैक्टस या यूफोर्बिया, इन प्लांट्स में टू चेक द ट्रांसपिरेशन टू रेजिस्ट लॉस ऑफ वाटर द लीफ इज मॉडिफाइड इंटू पॉइंटेड स्पाइन्स। लीफ पॉइंटेड स्पाइन में कन्वर्ट हो गया सो दैट लीफ के थ्रू ट्रांसपिरेशन ना हो, तो लीफ अपना फोटोसिंथेसिस का पर्पज भी खत्म कर दिया। तो अब वहां पर लीफ का प्लेस लेने के लिए ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्लैटेंड पल्पी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आ गया है फाइलोक्लेड मॉडिफाइड स्टेम। सुनिएगा फाइलोक्लेड फाउंड इन एरिड और डेजर्ट प्लांट्स where leaves are converted into pointed spines to stop transpiration, loss of water in the form of water vapor, So here the function of leaf, that is photosynthesis performed by the green modified flattened pulpy branch of stem या stem, इरेज करके मेंशन करते हैं। आइए सुनिए मैंने क्या बोला, फाइलोक्लेड बीइंग ग्रीन टेकन ओवर फंक्शन ऑफ लीव्स। समझने, लीफ तो मॉडिफाई हो गया है, एरिड रीजन है, डेजर्ट रीजन है, टेम्परेचर हाई है, लीफ रहा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, प्लांट में अवेलेबल वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा वाटर वेपर के नाम पर। तो लीफ थिक है, जो है थोड़ा सुनिएगा, फाइलोक्लेड थिक है और इसके ऊपर थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। फाइलोक्लेड थिक पल्पी हैविंग थिक क्यूटिकल जो इवन जो है लॉस ऑफ वाटर को चेक करेगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने जैसे जो है डायग्राम ड्रॉ किया, यह है अपुंसिया का मॉडिफाइड स्टेम और उसके ब्रांचेस
मॉडिफाइड स्टेम और उसके ब्रांचेस. सो दिस रिप्रेजेंट मॉडिफाइड स्टेम, दिस रिप्रेजेंट मॉडिफाइड स्टेम ग्रीन थिक पल्पी. और इस मॉडिफाइड स्टेम में जो लीव्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस. ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट, फिर सुनिएगा, फाइलोक्लेड रिप्रेजेंट अनलिमिटेड ग्रोथ. यहां पर अनलिमिटेड ग्रोथ ऐसा जो है, इसके बाद मैं क्लैडोड बताऊंगा. क्लैडोड जो है सिंगल सिंगल इंटरनोड लॉन्ग स्ट्रक्चर है. सो ये फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड रिप्रेजेंट्स, फाइलोक्लेड रिप्रेजेंट्स स्टेम विथ अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ हैविंग मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स. ठीक है, जहां जहां पर स्पाइंस है वो स्पाइन जो है नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्पाइन इज नथिंग बट मॉडिफाइड लीफ, लीफ नोड से ही डेवलप होता है. सो थिक पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हमने बोला स्पाइन, और ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को हमने बोला फाइलोक्लेड. फाइलोक्लेड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, बात पकड़ में आई, एरिड और डेजर्ट वाले प्लांट में. कैक्टस ऑन द नेम ऑफ अपुंसिया और यूफोर्बिया और इवन कैजुरीना एक प्लांट है डेजर्ट के प्लांट, इसमें मिलता है फाइलोक्लेड. बस समझा, एरियल स्टेम है. और फाइलोक्लेड कैसा मॉडिफिकेशन है मैंने बता दिया, ले चलते हैं बात को आगे. आई नीड योर अटेंशन. नेक्स्ट मैंने यहां पर दूसरा लिया क्लैडोड. क्लैडोड थोड़ा सुनिएगा, फाइलोड पूरा का पूरा स्टेम और स्टेम के ब्रांच थिक पल्पी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गए. क्लैडोड ब्रांच स्टेम के ब्रांच, स्टेम मॉडिफाई नहीं हुआ, ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज का मॉडिफिकेशन है. एंड लेंथ ऑफ क्लैडोड सिंगल इंटरनोड लॉन्ग होगा, लिमिटेड ग्रोथ वाला स्ट्रक्चर है, बात पकड़िएगा प्लीज. क्लैडोड इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स modification of, modification of branches and sub branches, branches and sub branches. ठीक है, branches and sub branches, need your attention, branch and sub branch modified, modified into सिलेंड्रिकल. ये मस्ट है, वहां पर फ्लैटेंड भी था, यहां पर केवल सिलेंड्रिकल सिंगल इंटरनोड लॉन्ग, सिंगल इंटरनोड लॉन्ग ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर विथ लिमिटेड ग्रोथ, विथ लिमिटेड ग्रोथ. पूरा का पूरा स्टेम, स्टेम से अटैच्ड ब्रांच मॉडिफाई हो गए हैं फ्लैटेंड या सिलेंड्रिकल, तो हमने उनको बोला है फाइलोक्लेड. केवल और केवल जो है स्टेम से अटैच्ड ब्रांच या सब ब्रांच मॉडिफाई हुए हैं, तो हमने उनको बोला क्लैडोड. यहां पर एग्जांपल है एक एस्पोरागस, एस्पोरागस, और दूसरा है यहां पर रस्कस. वेल एस्पोरागस वन इंटरनोड लॉन्ग होता है, वन इंटरनोड लॉन्ग है, ये टू इंटरनोड लॉन्ग होता है, मोस्टली वन इंटरनोड लॉन्ग कंसिडर करते हैं, टू इंटरनोड, टू इंटरनोड्स लॉन्ग, बात समझिएगा. सो मैंने बोला ये है मेन स्टेम. ठीक है, फिर यहां पर ब्रांच है. अब ब्रांचेस से जो सब ब्रांचेस डेवलप हो रहे हैं वो सिंगल इंटरनोड सिलेंड्रिकल, सिंगल इंटरनोड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसे सिंगल इंटरनोड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है
क्लैडोड, हमने नाम दिया है क्लैडोड, ठीक है। और जो नॉर्मल लीव्स अटैच्ड हैं ब्रांचेस से वो जो है फॉल डाउन हो जाएंगे, स्केली लीफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल लीव्स अटैच्ड टू द ब्रांचेस। नॉर्मल लीफ फॉल डाउन जो है या कन्वर्टेड इनटू नॉन फोटोसिंथेटिक स्केली लीफ, और ये यहां पर आ गया फाइलोड, सॉरी नॉट फाइलोड, क्लैडोड, क्लैडोड, सिंगल इंटरनोड ग्रीन स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हमने बोला क्लैडोड। फाइलोड, क्लैडोड और लीफ में एक मॉडिफिकेशन आएगा फाइलोड, फाइलोक्लेड, क्लैडोड, फाइलोड, फाइलोड रिलेटेड होगा लीफ के साथ। ये तीनों टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं जब लीफ में फाइलोड कंप्लीट कर लूंगा तो फाइलोक्लेड, क्लैडोड और फाइलोड तीनों को रिवाइज भी कर लूंगा, ध्यान रखिएगा। सो दिस वॉज क्लैडोड। बात आगे बढ़ाते हैं, नीड और फुल खतरनाक अटेंशन नाउ हियर। अब हम एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन में जो है एक्जिलरी बड के मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। पहला यहां पर मैंने हेडिंग लिया स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। बात देखिएगा, एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन में स्टेम टेंड्रिल लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायरी हेलिकली क्वाइल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी बड विल क्वाइल अराउंड सपोर्ट एंड हेल्प इन अपराइट स्टैंडिंग ऑफ प्लांट्स हैविंग वीक स्टेम। क्या क्या बोल डाला थोड़ा सुनिएगा, इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायरी हेलिकली क्वाइल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर, सेंसिटिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। दिस टेंड्रिल, टेंड्रिल इट विल क्वाइल अराउंड, थोड़ा सुनिएगा, टेंड्रिल क्वाइल्स अराउंड, क्वाइल्स अराउंड सपोर्ट एंड हेल्प इन, हेल्प इन अपराइट स्टैंडिंग या क्लाइंबिंग ऑफ सॉफ्ट प्लिएबल वीक स्टेम। पॉइंट समझा कि नहीं, सिलेंड्रिकल लॉन्ग वायरी हेलिकली क्वाइल्ड सेंसिटिव है टच के लिए, थिग्मोट्रॉपिक टर्म आएगा, जैसे फोटोट्रॉपिक, ग्रेविट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, वैसे थिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट द टच। टेंड्रिल थिग्मोट्रॉपिक, कहीं कहीं पर सिस्मोट्रॉपिक भी आता है, बट मैं थिग्मोट्रॉपिक टच को रिस्पॉन्स करना, इरेज करके बताता हूं मैं, थोड़ा सुनिएगा। ये एक प्लांट है जिसका स्टेम्स थिन वीक है, कहीं बाजू में कोई सपोर्ट है, सपोर्ट एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहां इस वीक प्लिएबल सॉफ्ट स्टेम में ये लीफ है, ये यहां पर लीव्स हैं, थोड़ा सुनिएगा। लीफ और वीक स्टेम के एक्सिस पर देर इज प्रेजेंस ऑफ बड, एक्सिस पर देर इज प्रेजेंस ऑफ बड, वीक स्टेम के जो है वीक स्टेम और लीफ के एक्सिस पर देर इज प्रेजेंस ऑफ बड, ठीक है। ये बड ही ग्रो कर रहा है, दिस एक्सिलरी बड इट इज ग्रोइंग इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायरी हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसको मैंने बोला टेंड्रिल। ये टेंड्रिल जैसे किसी सपोर्ट को टच किया, ये टेंड्रिल जैसे किसी सपोर्ट को टच किया, इट स्टार्ट्स क्वाइलिंग अराउंड द सपोर्ट, इट विल क्वाइल अराउंड द सपोर्ट,
ठीक है। सो ये है टेंड्रिल दैट क्वाइल्स अराउंड द सपोर्ट दस हेल्पिंग द वीक स्टेम टू स्टैंड अपराइट या क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया टेंड्रिल, दिस रिप्रेजेंट टेंड्रिल, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो है मैं ले रहा हूं ग्रेप वाइन, एग्जांपल ले लिया मैंने ग्रेप वाइन, ठीक है। वाइटिस नाम देते हैं साइंटिफिक में, साइंटिफिक नेम वाइटिस है, देन गॉड्स आ जाएगा या कुकुरबिट्स ले लेते हैं, गॉड्स या कुकुरबिट्स कॉमन नेम है, इसमें आ जाएगा पंपकिन, कुकुम्बर, पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन एक्सेट्रा, इनके पास होता है एक्जिलरी बड का मॉडिफिकेशन वायरी हेलिकली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में। एक्जिलरी बड थोड़ा सुनिएगा, सेंसिटिव फॉर द टच है, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द वीक स्टेम वाले प्लांट को, समझा। एक्जिलरी बड का एक और मॉडिफिकेशन जहां पर एक्जिलरी बड मॉडिफाई हुआ है हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर थॉर्न में, इसको इरेज करके बात करते हैं। एक और मॉडिफिकेशन लेता हूं मैं यहां पर स्टेम थॉर्न, स्टेम थॉर्न थिक पॉइंटेड वुडी वैस्कुलराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्जिलरी बड, क्या क्या बोला समझिएगा प्लीज, थिक हार्ड पॉइंटेड वुडी वैस्कुलराइज्ड, वैस्कुलराइज्ड जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्जिलरी बड, मेन काम है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स या ब्राउजिंग एनिमल्स, ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग या ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स मेन फंक्शन है। एग्जांपल इसमें आ जाएगा सिट्रस के प्लांट आ जाएंगे, बोगनवेलिया आ जाएगा, और एक प्लांट है हिंदी में उसको हम करोंदा बोलते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल में आ जाएगा करोंदा, देन बोगनवेलिया, देन आ जाएगा सिट्रस प्लांट, सिट्रस प्लांट में लेमन आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है। पॉइंट समझिएगा, देखिएगा ये है मेन स्टेम, मेन स्टेम से अटैच्ड है लीफ, मेन स्टेम से अटैच्ड है लीफ, आई नीड योर अटेंशन, लीफ और मेन स्टेम के एक्सिस पर है एक्जिलरी बड, मेन स्टेम और लीफ के एक्सिस पर है एक्जिलरी बड। अब ये एक्जिलरी बड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू थिक पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर, थिक पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर, सो इस थिक पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर इसके पास जो है थिक लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है, आउटर साइड कॉर्टेक्स के थिक लेयर होंगे, कॉर्टेक्स के थिक सेल होंगे जो इसको वुडी अपीयरेंस देंगे। सो इसी को हम बोल रहे हैं थॉर्न, ठीक है। नॉन ग्रीन वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर, नॉन ग्रीन वुडी पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हमने बोला स्टेम थॉर्न, बात पकड़ में आया, ठीक है।